अब क्यों करती हो तुम से पूछो, मुझे क्या पता क्यों करती है, लेकिन करती है, यही मेरे मतलब की बात है, कर्ज माफ करती है ना। तो जब हाड़ मास के बदले अपनी प्रजा का कर्ज है, भोगान भोक्ता भयमेव भोक्ता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। मेरे भी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है थोड़ी सी, पिग बोलते हैं उसे, सुअर। उसको देखा नारद जी ने, एक नाली में, गंदी नाली में, मलमूत्र भरी नाली में बड़े आराम से लोरे मार रहा, ऐसे लोरे मार रहा है, ऐसे लोरे मार रहा है मानो बहुत बड़ा रईस स्विमिंग पूल में तैर रहा हो। अरे हमारे बच्चे नहीं जाते स्विमिंग करते है ना, कई लोग तो उनका तो रूल है संडे को छुट्टी वाले दिन जाएंगे ही जाएंगे। कहां चाहे, इससे बड़ा से बड़ा दुखी कौन होगा दुनिया में, जो मलमूत्र के कचड़े की इस नाली में लिपटा हुआ है इससे। अरे बोले महाराज बड़ा स्वर्ग का नाम सुना है, हमें तो कोई ले जा नहीं सकता, अब तक तो हमें चलो। बोले चलो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करवाऊंगा, चलो चलो चलो, तैयार हो गया। बोले महाराज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्यों? बोले मेरे सुगर अपनी मिसेज से बोला, ए जी सुनती हो? उसने भी घूमट कर लिया नारद जी की तरफ से, पर्दा करना जरूरी होता है। पर्दा करके बोली, हाँ जी आज्ञा करो। बोले जब हमारे जौनी के भाग्य खुल गए, तुम कहो तो चले जाए, तुम्हें बाद में तकलीफ ना हो, बच्चे छोटे देख लो। इंग्लिश में शुगर को पिग कहते हैं, उसकी वाइफ को क्या कहते हैं ये नहीं पता। ए जी, हाँ जी, बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, हम लाख कष्ट उठा लेंगे तुम्हारे लिए, तुम स्वर्ग जाओ बस, तुम तो जाओ कम से कम। बड़ा खुश हुआ अपनी पत्नी की बात सुनकर, इतनी चाहती है स्वर्ग जाने की बातें, बड़ी खुश है। बोले सारी जिम्मेदारी मैं निभा लूंगी, बहुत खुश हो गया। और उसने अपने इष्ट मित्रों से भी विदा ले ली, बोले अब हम स्वर्ग जाएंगे। सब लोग कहने लगे, जा भैया हमारी जाति का भी नाम रोशन होगा। बोले बाबा एक बात बताओ, स्वर्ग में ऐसा नाला है कि नहीं? नारद जी बोले, व्हाट डू यू मीन टू से? बोले आई मीन टू से बाबा जी, आई लाइक दिस नाला, मुझे ये नाला बहुत पसंद है और मैं ऐसे नाले के बगैर रह नहीं सकता। अगर आपके स्वर्ग में ये नाला हो तो मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूं। नारद जी बोले, स्वर्ग में तो ऐसा नाला नहीं है। तो बोले माफ करो, मेरी भी स्वर्ग जाने की इच्छा। बजा लो ताली, बजा लो। देखो कि स्वर्ग भी उस सुगर भी उस नाले में स्वर्ग से ज्यादा सुखी समझता है अपने आप को, लेकिन जब आप उसी नाले के नजदीक से निकलते हो तो आप अपने मुंह पे कपड़ा रख लेते हो, लेकिन उस सुगर के लिए तो वो नाला ही स्वर्ग है। ठीक वैसे ही जिन स्वर्ग की व्यवस्थाओं को, जिन सुख की व्यवस्थाओं को हम समझते हैं कि हमारा आनंद है, कुछ ऋषि मुनि त्यागी महात्मा अपनी नाक पर कपड़ा रख के निकल जाते हैं कि अपना जीवन का नाश करने में लगा हुआ है, इन्हीं सब में फंसा हुआ है। हे मेरे प्यारे हो, अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो सबसे पहली बात अपनी इच्छाओं का दमन करना शुरू करो। इच्छाओं को बहुत ज्यादा बड़ी मत बनाओ, इच्छाओं को लिमिट में ले आओ कि मरने के बाद कहीं मेरा पुनर्जन्म ना हो। राजा ययाति ने अपनी इच्छाओं की खातिर अपने छोटे बेटे की जवानी चाहे समझा।
जा लो, लेकिन जैसे मल का कीड़ा मल में खुश रहता है, वैसे हम लाख कथा सुनने के बावजूद भी जहां थे आज भी वही है। पहले कथा सुनने के बाद जीव गंगा में स्नान करने के बाद साधु हो जाता था, आज गंगा में स्नान करने के बाद वैसा का वैसा ही है। क्यों? बोले कथा तभी सुधारती है जब तुम खुद सुधरना चाहते हो, और जब तक खुद नहीं सुधर सकना चाहोगे ये कथा तुम्हारा कुछ नहीं सुधार सकती। इसलिए मेरे प्यारे हो, एक कदम तुम्हारी मोक्ष की तरफ होगा तब जब आप भागवत से प्रेम कर लोगे और सदा शिव कर सदा शिव श्रीमद भागवती कथा जीवन में हर दिन कथा सुनते जाओ, तुम्हारा हर दिन एक कदम स्वर्ग की तरफ बढ़ता चला जाएगा, भगवान की तरफ बढ़ता चला जाएगा, भक्ति की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा यकीन है। उनको अपना कहा और उन्होंने कृष्ण को अपना कहा। यह अहमदाबाद की नगरी ये भी वृंदावन बन सकती है, ये भी गोकुल गांव बन सकती है, अगर आपका हृदय यशोदा का हो जाए या आपका हृदय नंद बाबा का हो जाए तो यहां कृष्ण प्रकट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तैयार है? धर्मात्मा राजा है जिनके राज में यज्ञ होम तप व्रत सब चलता रहता है। उग्रसेन के विषय में मैंने बताया था, इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं कि कंस का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कह दिया था ये धर्म के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, धर्म इससे बड़ा कष्ट पाएगा। उग्रसेन जी ने जन्म लेते ही उस बच्चे को जमुना में बहा दिया। फिर नारद जी ने बचा लिया क्योंकि कृष्ण को इन्हीं के माध्यम से आना था। हमारे देश में धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत दहेज दिया अपनी बहन को उसने, बहुत। आजकल दहेज प्रथा, जितने भी लोग यहां बड़े लोग बैठे हैं या अथवा कथा सुन रहे आस्था के माध्यम से, बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो आप करते हो। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, एक स्टेप उठाइए, एक कदम उठाइए। जो बड़े लोग कदम उठाएंगे वही छोटे लोग भी कदम उठाएंगे। इस समाज से दहेज की कुप्रथा को समाप्त कर दिया जाए। अगर हम किसी की बेटी को ब्याहने के लिए जाएं और दहेज न मांगे तो हमारी बेटी को कोई ब्याहने आएगा तो वो भी हमसे दहेज नहीं मांगेगा। और आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश में दहेज की खातिर काफी बहन बेटियों को अपने प्राण गंवाने पड़, दहेज की खातिर काफी बहन बेटियां अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में बैठी, सिर्फ दहेज की खातिर। कईयों को जला दिया गया, कईयों को मार दिया गया। और मेरे इन शब्दों को सिर्फ शब्द मत समझना, ये उन सीनियर लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सोसाइटी कैसे बनाते हो, आप समाज कैसे बनाते हो। और ये हर एक उस व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए जो अपने आप को बड़ा मानता है। पैसे लेकर बड़ा तो कोई भी बन जाएगा, किसी की बेटी, गुणवान बेटी को अपनी बहू बनाकर देख, तब तू सही माने में बड़ा बनेगा, तब तू चरित्र से बड़ा बन जाएगा।